आप सभी को ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति वर्धन सानी का सादर नमस्कार। साथियों, अपने 29 वर्ष के करियर में हमने जो आपको ज्योतिष और वास्तु के सरल घरेलू उपायों के द्वारा सेवा की है, आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे, गाय। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य यदि आपको उपाय बताएगा ज्योतिष और वास्तु में, तो गाय का जिक्र जरूर आएगा, उसका उपाय जरूर बताया जाएगा। इतना बड़ा क्षेत्र है गाय द्वारा उपाय करने का ज्योतिष और वास्तु में। तो आज हम आपको कुछ सरल उपाय बताते हैं ज्योतिष और वास्तु के, जो गाय के द्वारा आप करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। देखिए, जो वास्तु है उसकी शुरुआत होती है भूमि से। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्लॉट है, जगह है, और किसी भी कारण से, चाहे उसके मकान बनाने की जरूरत होती है तो धन कम पड़ जाता है, या कोई कानूनी बाधा आ जाती है, सरकार का कोई आदेश आ जाता है, या कोई पड़ोसी बाधा कर देते हैं, किसी भी तरह की बाधा यदि आपकी प्लॉट में आ रही है बनाने के लिए मकान को, तो आप एक गाय और बछड़ा वहां लेकर जाएं, उसको वहां पर बांध दें और कम से कम 5-7 घंटे उसको वहां पे बंधे रहने दें। उसको कुछ चारा खिलाएं, उसकी कुछ सेवा करें, और 3-4-5 बार यदि वो गोबर कर देगी, वहां पे मूत्र दान कर देगी, तो आप समझिए कि आप ये काम 2-4 बार अगर कर लेते हैं तो आपका जो प्लॉट का जो रुका हुआ काम है, जो मकान नहीं बन पा रहा है, अवश्य अवश्य बनने लग जाएगा। हमारे क्लाइंट्स कई इस सिद्ध उपाय को उपयोग करके आज अपने मकान बना चुके हैं। आपकी यदि ऐसी बात आए, आप भी करें। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि धन की बात नहीं है, कानूनी बात नहीं है, लेकिन कोई भूमि दोष है। जी, भूमि दोष बहुत बड़ा दोष माना जाता है वास्तु दोष में। तो यदि कोई भूमि दोष है उस भूमि पे, किसी अड़ोसी पड़ोसी ने अपना कोई जानवर मरा, कुत्ता बिल्ली, उसको वहां दफना दिया, या कोई किसी ने, निर्दयी आदमी ने, या किसी गैंगस्टर ने कोई ऐसा जो है शरीर दबा दिया वहां पे, किसी शिशु का, किसी और का, और किसी तरह से कोई उसमें दोष है, किसी ने कूड़ा करकट डाल दिया वहां पे काफी खाली प्लॉट देख के, तो यदि कोई भूमि दोष आ जाता है किसी जगह पर, तो भी मकान नहीं बन पाता है। लेकिन यदि भूमि दोष है तो आप फिर क्या करें कि ऐसी गाय देखें आप जिसने अभी अभी बछड़ा दिया है, नवजात शिशु है जिसका, और उस नवजात शिशु के साथ उस गाय को आप वहां पर बांधें, और गाय जब उसको प्यार करती रहेगी, गाय की लार गिरती रहेगी वहां पे प्लॉट पर, आप उसको चारा खिलाएंगे, गौत मूत्र और गोबर वहां पे करते रहेंगे गाय और बछड़ा, तो आप समझिए कि ये जो नवजात शिशु वाली गाय है, ये इस भूमि दोष को 5-6 घंटे में पूरी तरह से सही कर देगी। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास गाय नहीं है, हमने गाय नहीं पाल रखी, या ऐसे कोई गाय बछड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उनको हम सलाह देंगे कि यदि आप जो सड़क पर चलती हुई गाय होती है, आवारा गाय जिसको आप लोग बोलते हैं, यदि आप ऐसी गाय की जो है एक राउंड अपने प्लॉट में लगवा देंगे, उसको वहां पर घुमा देंगे, वहां पर कुछ खिला पिला देंगे और थोड़ी देर बाद उसको वापस छोड़ देंगे, तब भी आपका ये दोष काफी हद तक इतनी देर में भी शांत हो जाएगा। आप इसके उपाय करें और उसका फायदा उठाकर हमें अवश्य अपना अनुभव बताएं। अब यहाँ पर बात हम बता रहे थे कि गाय के बिना कुछ भी संभव नहीं ज्योतिष वास्तु में। 9 के 9 ग्रहों के उपाय गाय के द्वारा हो जाते हैं। देखिए, बृहस्पतिवार है, रविवार है, आप देखते होंगे चने की दाल, गुड़ गाय को लोग अर्पित कर रहे होते हैं, नमस्कार कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा बुधवार को जो व्यक्ति को काम, कारोबार, नौकरी में बार बार छूट जाती है, कारोबार नहीं चल रहा है, उसको दिक्कत आ रही है कारोबार में, अपनी इनकम में, धन कमाने में, तो ऐसे व्यक्ति जो यदि बुधवार को गाय को चारा खिलाएं, पालक खिलाएं, हरा साग खिलाएं और तरह से गाय की सेवा बुधवार को करें, तो उनको अवश्य अपना कारोबार चलता हुआ नजर आता है। यहां पर आपको जैसे बताया धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो आप यदि एक उपाय आपको बताते हैं, पेड़ा, आटे का एक पेड़ा ले लें और उसमें बर्फी का एक पीस रख के लक्ष्मी माता को याद करके यदि आप गौ माता को खिलाते हैं, तो आप शुक्रवार को ये काम करिए, और अगर संभव हो तो सफेद गाय को खिलाइए, आप ये देखेंगे कि आप साक्षात लक्ष्मी माता की सेवा कर रहे हैं और आपको अच्छा धन लाभ उसके बाद उपाय के शुरू हो जाएगा। इसको आप हर शुक्रवार करना शुरू कर देंगे, अपनी आदत में डाल लेंगे,
तो आपका कारोबार अच्छा चलेगा, बहुत धन लाभ होगा। ये साक्षात उपाय है। और ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे कि यदि वो अपने कार्यस्थल पे, जहाँ पे भी उसका ऑफिस है, कार्यालय है, वो सेवा करता है, तो वहां पर यदि वो गाय बछड़े का कोई चित्र, कोई फोटो लगा लेता है अपने सामने जो उसको दिखता रहे, या अपनी जो है टेबल पर वो अपना गाय बछड़े का ऐसी मूर्ति रख लेता है जो किसी भी धातु की हो सकती है, पीतल की, सेरेमिक की, मिट्टी की, तो वो रिसेप्शन पे रखे, अपने ऑफिस के विशेष जगह पे रखे, या अपने ऑफिस के केबिन में अंदर टेबल पे रखे, तो ऐसे व्यक्ति को यदि गाय बछड़ा रख की तस्वीर रखता है, मूर्ति रखता है, तो फिर धन समस्या काफी जो उसको आ रही होती है वो समाप्त होती है, धन लाभ होता है। ये अवश्य ध्यान रखिए कि आप कोई भी उपाय करते हैं तो अनमने हो के नहीं, पूरे विश्वास से करिए कि ये उपाय मैं इस वजह से कर रहा हूँ, ये मुझे धन लाभ हो, ये मुझे कारोबार में लाभ हो, ये मेरा प्लॉट बन जाए। यदि आप ऐसा विश्वास करके वो उपाय करेंगे तभी उसका साक्षात फल मिलता है। देखिए गाय, जिसका बताया ज्योतिष वास्तु में बहुत ज्यादा उपाय हैं, तो हम एक पार्ट में इन उपायों को नहीं समाप्त कर सकते हैं, हम अगले कई पार्ट में छोटे छोटे आपको उपाय बताते जाएंगे, आप नोट करते जाएंगे और इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।